सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताने चाहूंगा, मैं दीपक जोशी, आज जो कि हमने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा है। बहुत से ब्लॉगिंग चैनल देखे लेकिन उनमें कुछ ना कुछ था, लेकिन हमने भी चाहा हम भी अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाएं। आज जो कि हमारे साथ एक हम आपको एक नेपाल के मूल युवा से मिलाएंगे जो कि यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रखे हैं। इनका नाम है सुमन, जो कि सुमन छेत्री, जो कि नेपाल से आ रखे हैं। आज हम इनसे एक ऐसी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि अगर आप इन द फ्यूचर उत्तराखंड से नेपाल की अगर कभी वो करना चाह रहे हैं, कभी आप नेपाल घूमना चाह रहे हैं, तो ये हमें बताएंगे कि सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आप नेपाल पहुंचेंगे कैसे, उसके बाद आप कौन से रेस्टोरेंट में रह सकते हो और या कौन सी जगह से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो नेपाल में अगर आपको घूमना है और कभी आपको वहाँ नेपाल में काठमांडू या पशुपतिनाथ जाना हो तो ये उसके बारे में सब बताएंगे। तो आप अपना सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपका नाम। मेरा नाम सुमन है और मैं नेपाल से हूँ। मैं यहाँ पे इंडिया में अल्मोड़ा हूँ अभी, क्योंकि मेहनत करने आया हूँ, मजदूरी वाला हूँ एक में। मैं नेपाल अगर आप लोग जा सकते, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, पहले सबसे पहले यहाँ से चल जाएंगे, क्या बोलते हैं, इधर हल्द्वानी, फिर वहाँ से जाओगे, फिर आप लोग बनबासा, फिर वहाँ से जाओगे महेंद्रनगर। अच्छा, महेंद्रनगर से फिर आप अगर जैसे महेंद्रनगर जाएं तो महेंद्रनगर जाने के बाद क्या होगा, मतलब आगे के हमें बताएंगे आप। मतलब हमें जब महेंद्रनगर पहुंच जाते हैं उसके बाद हमारे वहाँ से जो पड़ाव शायद प्रारंभ हो जाता है नेपाल के लिए, तो उसके बाद हम कैसे पहुंचेंगे नेपाल, वो हमें थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। आप लोग पहुंचोगे पहले वहाँ पे, क्या बोलते हैं, महेंद्रनगर। अच्छा, फिर वहाँ से किसी को अब कोई बंदे मिल जाते हैं, वहाँ से पूछोगे। अच्छा, फिर यहाँ से आप लोग जाना चाहते हो पोखरा, काठमांडू। अच्छा, और हो गया सुरकेत, हो गया नेपालगंज, हो गया। अच्छा, और हो गया ललितपुर, इन जगह में आप लोग ऐसे करके जा सकते हो, पूछो। और ठीक है, अगर आप जैसे महेंद्रनगर पहुंच रहे हैं तो महेंद्रनगर से आगे का जो पड़ाव, पहला पड़ाव जो नेपाल के अंदर पहुंचता है वो कौन सा है? उससे सबसे पहले महेंद्रनगर लाग गया। अच्छा, फिर लाग जाएगा कोलपुर। अच्छा, कोलपुर, कोलपुर। तो कोलपुर, जो आप थोड़ा कोलपुर के बारे में बताएंगे, तो कोलपुर जगह है वो कैसी है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, वहाँ पे ऐसा है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा खासा जगह है वहाँ पे। अच्छा, देखने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और हो गया कभी अब ऐसे चिड़ियाखाना वहीं पे है। अच्छा, और आपको कोई भी जानवर वहीं मिल जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ से जाओगे आप लोग, मतलब आप बताना चाह रहे कि वहाँ पे एक अच्छा खासा चिड़ियाघर है। तो दोस्तों, अगर आप अभी नेपाल जाते हैं, आपने कौन सी जगह बताई थी नेपाल के अंदर जो पहला पड़ाव था? पहले महेंद्रनगर हो गया, महेंद्रनगर के बाद जो आपने पड़ाव बताया था वो कोलपुर। कोलपुर, तो कोलपुर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा चिड़ियाघर है, तो आप उन जगहों पर जा सकते हैं। आज हम इनका एक थोड़ा सा इंटरव्यू ले रहे थे हम, ताकि हम सोच रहे थे इस टाइप का, हमने कोई वो देखा नहीं कि जो हमें बताया कि डायरेक्ट आप सब मतलब जाते हैं, गाड़ियों से तो हर कोई जाता है, लेकिन एक हम ऐसे युवा जो नेपाल के ही हैं, क्योंकि ये हमसे अच्छा जानते हैं उस जगहों में जाने के लिए, अगर ये हम अच्छे से उसके बारे में बता सकते हैं। तो कोलपुर जाने के बाद फिर क्या होता है, अगला पड़ाव क्या पड़ता है? फिर अगला पड़ जाएगा आप लोगों को काठमांडू जाना होगा, तो नेपालगंज पड़ेगा। अच्छा, नेपालगंज। फिर गाँव में, और गाँव में ऐसे हिमालय में जाना चाहोगे तो पहले फिर चल जाओ कर्णाली प्रदेश का सुरकेत बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरा नेपाल का दूसरा राजधानी है वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ ये हमें थोड़ा ये भी बताओ कि जो जैसे हमारे जो इंडिया का जो 1000 रुपये होता है, नेपाल में कितना रुपए होता है? नेपाल में ऐसे ही बन जाता है 1600। अच्छा, 1600 रुपए बन जाता है, मतलब हम यहाँ से अगर इंडियन रुपीज ले जाए तो आराम से उसको हम अपना खर्च कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में तो हमारा ऐसा होता है कि नेपाल का रुपया यहाँ डायरेक्ट चल नहीं पाता है। तो अच्छा, तो हमारे इंडिया का जो पैसा है वो नेपाल में आप डायरेक्ट उसको चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये हमें बहुत बढ़िया लगा। तो और जैसे हमें अगर हम कभी नेपाल चले जाएं तो उसके लिए जो हमें सबसे अच्छे जो रहने योग्य कौन सी जगह है वहाँ पे, सबसे अच्छे आप लोगों को मिल जाएगी पोखरा। अच्छा, सबसे बढ़िया। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप कभी नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो पोखरा जरूर जाएं। ठीक है, तो पोखरा जाने के बाद क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्थाएं सब मिल जाती है? सब मिल जाती है। और अगर बाई चांस कभी हम शॉपिंग वॉपिंग करना चाहें और कुछ इस टाइप की चीजें लेना चाहें तो क्या रहेगा वहाँ पे, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी? वहाँ भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप लोग नेपाल जाओगे तो काठमांडू जरूर जाना, काठमांडू, क्योंकि पशुपति मंदिर में अच्छा इतना बड़ा साइट अभी तक किसी इंडिया के बंदे ने देखे भी नहीं होना। अच्छा, तो मतलब ये बता रहे हैं कि जो पशुपति जो मंदिर है वो बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है और इनके वहाँ की उससे जो बहुत बड़ी आस्था लगी है। तो आप यहाँ ठीक है, जब अगर हम पशुपतिनाथ जाएं तो पशुपतिनाथ पहुँचने के लिए हमें नेपाल से कहाँ तक जाना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे? आप लोगों को जाना पड़ेगा जैसे पोखरा चल गए, वहाँ से जाना पड़ेगा काठमांडू। काठमांडू में बागेश्वरी मंदिर से चलना पड़ेगा, वहीं पे बागेश्वरी मंदिर, वहीं से जाना पड़ेगा। फिर काठमांडू जाओगे तो खुद ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बंदे भी एक दिन में कम से कम बंदे
लाखों दो तीन लाख बंदे तो ऐसे सुबह सुबह मिलेंगे। अच्छा। तो दिन को आपको जाम लग जाएगा। अच्छा। अंदर जाने के दर्शन। अच्छा। करने के लिए। तो ये हमें बता रहे हैं, अगर वो पड़ाव अगर हमें कभी पशुपतिनाथ जाना चाहें तो अगर हमें दिन के समय पर अगर बच सके तो आप बचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये मूल वहाँ के ऐसे निवासी हैं, क्योंकि हम इंडिया के, हमें उसके बारे में भी कोई पता नहीं है कि वहाँ पे कैसी स्थिति रहती है, क्या रहती है। लेकिन आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसके बारे में जानकारी, क्योंकि वहाँ के मूल निवासी हैं, तो इनका कहना सही है कि आप कभी भी अगर वहाँ जाना चाह रहे हैं पशुपति, तो दिन में आप अपना ट्रेवल ना करें। ठीक है जी सुमन जी, और बताइए, और आप यहाँ पे को कितने समय से यहाँ पे को काम कर रहे हैं? मैं हो गया कोई 15-20 दिन। अच्छा, ये मतलब मात्र 15-20 दिन है, और एक युवा है और एक मेहनती है आजकल इनके द्वारा जो प्लांटेशन का काम किया जा रहा है। तो ठीक है सुमन जी, आपसे मिलकर हमें बहुत बेहद खुशी हुई, आपने हमें इतनी जो अपनी वहाँ की जो मूल जो जानकारी होती है वो हमें दी। धन्यवाद।